जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से करंट अफेयर के सेशन में मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। फरवरी 2024 के कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू विद डिस्क्रिप्शन डिटेल के साथ एंड उसके ही वन लाइनर क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे जनवरी मंथ के भी मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी मंथ की एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद इसमें फैब के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जैन के भी इंक्लूड हो सकते हैं, वो आपको चेक करने के लिए डाले जाते हैं ताकि आपकी कितनी तैयारी वहां पे रहती है। ये सभी करंट अफेयर के सेशन आपके बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, ऑल इंडिया जो भी गवर्नमेंट एग्जाम रहते हैं, वन डे गवर्नमेंट एग्जाम रहते हैं, वो उन सभी के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पेशली हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग तथा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। विजयपथ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे एप्लीकेशंस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, वोटर डे, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। पूरे भारत में 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, और इसके साथ साथ 25 जनवरी को हिमाचल के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं। वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, 25 जनवरी को कौन सा दिन हिमाचल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से हमारे भारत में मनाया गया, क्योंकि ये देश का 75वां गणतंत्र दिवस था। तो पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जिनका नाम था अब्देल फतह अल सीसी, और इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाया गया था। ये प्रश्न आपका सैनिक स्कूल 2024 के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो करंट अफेयर हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटे से छोटे पेपर से लेके बड़े से बड़े पेपर तक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाइयों के लिए मंजूरी मिली है? जाइडस को ये मंजूरी मिली है हाल ही में। भारत की ये कंपनी है और अमेरिका स्वास्थ्य विभाग से जो है वो इसके साथ समझौता किया है, ताकि जो टैबलेट्स हैं, दवाइयां हैं, वो इंडिया में भी आ सके। तो इसके लिए मंजूरी जो है वो मिली है, और ये अधिकार प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है जाइडस, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगा? तो अभी 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने 31 लोगों को, 31 पीपल्स को जो है वो जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है, और 19 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 31 लोगों में से 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक, और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। इसकी विभिन्न भिन्न कैटेगरियां होती हैं, इसमें टोटल जो है वो 31 लोगों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कोरोना काल में या फिर उसके बाद देश में जितनी भी बाधाएं आई उनमें उन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है?
तो दूसरी कंपनी जो है वो बनी है माइक्रोसॉफ्ट। पहली कंपनी की बात करें तो पहली कंपनी है एप्पल। एप्पल के बाद 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कौशल भवन का उद्घाटन किया है। तो ये नई बिल्डिंग बनाई गई है कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की ओर से, जिसका नाम रखा गया है कौशल भवन। ये भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाती है और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए MOU, जो समझौता होता है, उसके साथ मंजूरी दी है? तो ओमान के साथ ही समझौता हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये समझौता किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए, यानी कि IT डिपार्टमेंट के, खाड़ी देश ओमान के साथ समझौता किया है। ये 3 अवधि के लिए समझौता रहेगा, जिसमें G2G तथा B2B दोनों ही तरह के द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जाएगा दोनों ही देशों से। अगला प्रश्न है, इन द हीट ऑफ द नाइट, इन द हीट ऑफ द नाइट के निर्देशन नॉर्मन ज्यूकसन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो एक फिल्म, एक क्लासिकल फिल्म थी इन द हीट ऑफ द नाइट, ये बनाई गई थी नॉर्मन जिप्सन के निर्देशन में। इनका अभी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1926 में टोरंटो कनाडा में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद इन्होंने काफी बड़ी बड़ी मूवियां जो थी उनमें इन्होंने काम किया था। कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो उड़ीसा करेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा पहला, दुनिया में पहला ऐसा ये राज्य बना है जिसमें पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है वो स्थापित की जाएगी। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर रहेगा। सफारी की स्थापना जो है वो मयूरभंज जिले के पास बारीपदा शहर में की जाएगी और इसका जो टाइगर सफारी है ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास होगी। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है उसके आसपास ये होगी। और राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से बिल्कुल क्लोज है ये, NH 18 जो है वो इसके पास से जाएगा और इसके लिए 200 हेक्टेयर भूमि की जो है वो पहचान की गई है। और भारत में या पूरे देश में ये पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है वो भारत के उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है? तो जस्टिस आशुतोष कुमार जी को सर्वोच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इन्हें जो है ये मंजूरी दी है। और अब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 पहुंच गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने कितने फास्ट गश्ती जहाजों के लिए मझगांव डॉक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टोटल 14 जहाजों के लिए जो है वो ये हस्ताक्षर किए गए हैं मझगांव डॉक के साथ। तो रक्षा मंत्रालय में जो भारतीय तट रक्षक हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, उनके लिए 14 फास्ट पेट्रोलिंग के लिए जो है वो जहाजों के लिए एक डील जो है वो बनाई गई है और इसमें 1,070 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च आएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने HDFC बैंक में पेड अप शेयर पूंजी की कितनी हिस्सेदारी के लिए LIC के आवेदन को मंजूरी दी है? HDFC
के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये क्वेश्चन माना जाता है, पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में ये क्वेश्चन माना जाएगा। तो आपका 9.99% भुगतान की जो है वो आरबीआई ने अभी मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क 2024 का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क विषय 2024 का विषय है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करने वाले सीमा शुल्क। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क मनाया जाता है, तो 2024 के लिए जो थीम रखी गई थी वो यही थी, उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करने वाले सीमा शुल्क। अगला प्रश्न में यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, भारत और कौन सा देश दक्षिण पश्चिम में सहयोग देने पे सहमत हुए हैं, हिंद महासागर में सहयोग देने पे ये सहमत हुए हैं? तो भारत और फ्रांस, इन दोनों के द्वारा जो है वो हिंद महासागर पे सहयोग दिया जाएगा, और जो भी निगरानी के लिए जो मिशन तैयार किए जाते हैं भारत के द्वारा, तो वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के द्वारा जो है वो इसको सहमति दे दी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 270 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है, क्योंकि भारत में 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जब ये वीरता पुरस्कार लोगों को दिए गए, और इसमें उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर्मियों के लिए 119 पुरस्कारों को मंजूरी दी गई थी, और बाकी 133 जम्मू कश्मीर से संबंधित थे और 25 अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। कुल 1132 कर्मियों को वीरता या फिर सेवा पदक से सम्मानित किया गया भारत के 75वें गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 63वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये 63 बैठक अभी हाल ही में हुई, भोपाल में ये बैठक हुई है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, जिसकी अध्यक्षता श्री श्री एल कांथा राव के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के थाई पूसम त्यौहार मनाया गया, किस राज्य में ये मनाया गया? तो तमिलनाडु में ये मनाया जाता है, ये हिंदू समुदाय द्वारा जो है वो दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। थाई पूसम त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है, मुरुगा जो है वो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। थाई पूसम शब्द एक महीने के नाम एक तारे के नाम का मेल है, थाई पूसम जो है ये शब्द जो है एक महीने तथा एक तारे से निकाला गया एक नाम है, और इसे केरल में भी मनाया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में तमिलनाडु में ये मनाया गया, और ये भगवान मुरुगा जो कि शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं, इनके जन्मदिन का ये प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में आपके लिए बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये 2024 के लिए थीम जो है वो रखी गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2047 तक भारत में मुख्य रूप से आर्थिक सामाजिक और तकनीकी विकास हासिल करने के लिए एक प्रतीक जो है इसको माना गया है। अगला है, किस कंपनी ने बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के उद्देश्य से एआई प्लेटफॉर्म तथा भारत जीटीपी लॉन्च किया है? काफी ज्यादा यूज जो है वो भारत में भी एआई चीजों का किया जा रहा है, जीपीटी का भी उपयोग किया जा रहा है। तो कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड ने इसका अनावरण किया है, और भारत जीटीपी एकमात्र भारतीय स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म है जो 14+ लैंग्वेज में जो है वो उपलब्ध होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित नाटो
सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रतीक होता है? तो स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास इसका नाम रखा गया है। जनवरी 2024 में नाटो ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया था जिसका नाम स्टीड फास्ट डिफेंडर रखा गया था। शीत युद्ध के बाद सबसे बड़े नाटो अभ्यास को स्टीड फास्टर डिफेंडर 2024 कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से लड़ाकू जेट, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर तथा ड्रोन जो है वो शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में किसे सूचीबद्ध किया गया है? किसका नाम आया है सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रभावशाली छात्रों में? दुनिया की बात की जा रही है तो प्रीशा चक्रवर्ती, 9 वर्षीय भारतीय अमेरिका स्कूली छात्रा प्रीशा चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस सेंटर के द्वारा दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है। तो इनकी एक परीक्षा भी होती है इसके लिए, इसमें जब ये टॉप कर जाते हैं तो दुनिया के सबसे प्रभावशाली बच्चों की लिस्ट में इनका नाम दे दिया जाता है। अगला है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन थी? तो निकिता मल्होत्रा। ये 75वें गणतंत्र दिवस पर इनको वीरता पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। वायुसेना में ये वर्किंग है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको ये वीरता पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के सतर्कता विभाग द्वारा अनावरण की गई गृह पत्रिका का नाम क्या है? तो अभी भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा एक नई न्यूज़पेपर या एक जर्नल्स मैगजीन जो है वो अभी हाल ही में पब्लिश की गई है, उसका नाम रखा गया है पहल। तो नई दिल्ली में IREDA के द्वारा पंजीकृत कार्यालय में ये श्री प्रदीप कुमार दास के नेतृत्व में इसका अनावरण किया गया। इसमें मुख्य रूप से कर्मचारियों तथा बच्चों की बढ़ती भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा तथा लोगों को अवेयर किया जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच बातचीत के बाद एयरबस और टाटा ग्रुप संयुक्त रूप से किस प्रकार के हेलीकॉप्टर बनाने पर सहमत हुए हैं? तो ये डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर पर जो है वो समझौती बना दी गई है भारत और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न है, 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है उसकी फाइनल की मेजबानी के लिए इंग्लैंड एक बार फिर से तैयार है, जिसे ये देश आयोजित होने वाले लगातार चौथा संस्करण बन जाएगा। 2024 से 2027 तक एक सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदाता के लिए एक अनुरोध जो है वो जारी किया गया और ICC ने जो है वो इंग्लैंड को ये मेजबानी दी है ताकि वहां पे मैच जो है वो फाइनल करवाया जाए। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो और वन प्लस इंडिया के बीच किस सहयोग के लिए घोषणा की गई है? तो 5G इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए रिलायंस जियो जो कंपनी है और उसके साथ वन प्लस जो कि एक मोबाइल कंपनी है, इन दोनों ने साझेदारी की है कि इंडिया को जो है वो 5G इनोवेशन हब स्थापित करना है ताकि हर किसी के पास जो है वो 5G सुविधा जो है वो पहुंच सके। अगला प्रश्न है, ओलंपियन अभिनव बिंद्रा के सहयोग से असम सरकार द्वारा किन दो मुख्य पहलों की घोषणा की गई है? तो अभिनव बिंद्रा के सहयोग से असम सरकार ने उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया है और ये असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया है और अभिनव बिंद्रा के सहयोग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि बच्चों को जो है वो खेल के महत्व को भी समझाया जा सके। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया उषा उथुप जी को, तो ये किस श्रेणी में इनको सम्मानित किया गया?
उषा उत्थप जो है ये एक गायिका हैं और भारतीय पॉप फिल्मी जैज इनमें ये गाने जो हैं वो गाती हैं। तमिल परिवार से ये संबंध रखती हैं। 8 नवंबर 1947 को इनका जन्म हुआ था। 75 ईयर्स की ये हैं और 2011 में इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वर्तमान में भारत सरकार ने इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, वो भी कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, एआई स्टार्टअप त्रुटियम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये भारतीय कंपनी कौन सी है? ओला। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ओला जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटियों से रिलेटेड है, तो पहला यूनिकॉर्न जो है ये बनाया गया है एआई के लिए। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नए आईपीएस अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, जतेंद्र सिंह औलख, पंजाब लोक सेवा आयोग, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। आप कमेंट कीजिए कि हिमाचल के एचपीपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोमोरोस में पुनः लड़े गए चुनाव के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो अजाली असोमानी को घोषित किया गया है। इन्होंने 77.2% वोटों से जो है वो अपनी विजय जो है वो घोषित की है। डॉक्टर नित्यानंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या रखा गया? तो सहेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नया क्वेश्चन है क्योंकि पहली ऐसी ये कोई चीज भारत के द्वारा जो है वो डिस्कवर की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिली है? तो जोमैटो को मिली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए जोमैटो को हाल ही में आरबीआई के द्वारा मंजूरी दी दी गई है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया? तो हाल ही में महाराष्ट्र के साथ समझौता किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया गया है। इसमें लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया जाएगा, ताकि 2032 तक 60 गीगावाट की RE क्षमता बनाने पर काम मुख्य रूप से दिया जाएगा। अगला है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पे रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ में रखी गई है। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा के द्वारा ये नींव रखी गई है। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड के द्वारा ये जीता गया है। फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को हराया था, 7-2 का अंतर था और भारत की ओर से ज्योति छत्री और रुताशा दात्सो ने गोल किए थे, लेकिन फिर भी जीत जो है वो इनको नहीं मिली और इंडिया जो है वो इस विश्व कप से बाहर हो गया। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल जीता है? दिव्यांश सिंह पवार के द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इनको रजत पदक से सम्मानित सॉरी इनको रजत पदक नहीं, इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। और उसके एक दिन बाद ही निवोदित सोनम, जो कि महिलाओं में उन्होंने हिस्सा लिया था 10 मीटर एयर राइफल में, उनको रजत पदक से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सबसे लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसने जीता? आप सभी जानते हैं, आपने फिल्म देखी भी होगी, 12th Fail को ये अवार्ड दिया गया है। इसमें आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा जी के जीवन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, किस तरीके से 12वीं फेल होके भी उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम इन्होंने निकाला। और इसके साथ साथ क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन सकता है कि भारतीय सिनेमा की
250 फिल्मों की सूची में 12वीं फेल को सबसे ज्यादा रेटिंग जो है वो मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई किसके द्वारा लिखी गई? संजीव जोशी जी के द्वारा लिखी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखी गई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक इन्होंने लॉन्च की। इसमें इनके द्वारा 75 कविताएं जो हैं वो लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? यानी कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सतनाम सिंह संधू को, जो कि मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की जिनके द्वारा स्थापना की गई थी और 2012 में इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, इनको राज्यसभा सदस्य की रूप में मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश के किस बैंक को 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया? तो जिला सहकारी बैंक मर्यादित शहडोल। आरबीआई ने कुछ टाइम पहले पेटीएम पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, और इसी प्रकार से जब आरबीआई की गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं किया जाता है बैंकों के द्वारा, तो उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन या फाइन आरबीआई लगा देता है। अगला है, भूटान के राजनेता शेरिंग टोबगे किस राजनीतिक दल के आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे? तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो भूटान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं दूसरी बार, वो हैं शेरिंग टोबगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजाति आबादी का समर्थन करने के लिए लाभा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा के द्वारा ये शुरू की गई है। वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में लाभा योजना जो है वो शुरू की जाएगी। इसमें 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना को जो है वो शुरुआत इनके द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किसे नामांकित किया है? तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2024-25 में शामिल की गई, जो कि 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुए थे, और इसके 12 भाग हैं जिसमें महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक कुछ किले जो हैं वो शामिल किए गए हैं। जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू रिपोर्ट से रिपोर्ट जारी की है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। रीढ़ की हड्डियों के इलाज के योगदान आंध्र प्रदेश राज्य ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा व्याघ्र स्वर्डू स्वर्ण पदक 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अरुण कुमार बी को सम्मानित किया गया है। किस कंपनी ने मानव रोगी में पहली ब्रेन चिप प्रत्यारोपित की है? तो न्यूरोलिंक पहली कंपनी ऐसी बन गई है, और ये एलोन मस्क की कंपनी है जिन्होंने मानव के ब्रेन में जो है वो एक चिप पहली बार डाल के बताई है। तो न्यूरा लिंक एक ऐसी कंपनी है जो कि पहली ब्रेन चिप प्रत्यारोपित कंपनी बन गई है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन का। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को ये हर वर्ष जो है वो पूरे भारत में मनाया जाता है।
ये हमने पहले भी एमसीक्यू में जो है इनको डिस्कस किया। अब जितने भी एमसीक्यू से कुछ क्वेश्चंस हमारे वन लाइनर फॉर्म में भी इम्पोर्टेंट बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी तैयारी में जो है वो कहीं कमी ना रह पाए। तो पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को 40,000 लीटर मैलाथियन की सहायता की है? तो अफगानिस्तान को सहायता दी है भारत ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये इसकी थीम 2024 के लिए रखी गई थी। इन द हीट ऑफ द नाइट के निर्देशन नॉर्मन जिप्सन का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये कितनी वर्ष के थे? 97 वर्ष के थे। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट। ये भी डिस्कस किया, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सहयोग के लिए देश के साथ हुए MOU को मंजूरी दे दी है। तो ये ओमान के साथ जो है वो भी हाल ही में समझौता किया गया है। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग का नाम कौशल भवन रखा है और उद्घाटन किया? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। नेक्स्ट है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक दिए हैं? तो 31 लोगों को सम्मानित किया गया है 26 जनवरी के इस 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष पर। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाइयों के लिए मंजूरी मिली है? पहली ऐसी कंपनी बनी है, तो जाइडस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमोल मैक्रोन। 26 जनवरी 2024 को ये फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। नेक्स्ट है, हर साल शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किन 3 भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित ब्लावा टिनिक पुरस्कार दिया गया है? तो प्रोफेसर राहुल आर नारायण, मेहुल मालिक, डॉक्टर तन्मय भरत। इन 3 भारतीय वैज्ञानिकों को यूके में पुरस्कार दिया गया है। कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो उड़ीसा। ये भी हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमेंट कीजिएगा कौन सा वो टाइगर रिजर्व रहेगा, वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा, कौन सा नेशनल पार्क वो है। निम्नलिखित में से हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है? तो जस्टिस प्रसन्ना बी बराले के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कितने जहाजों के लिए जो है वो अभी मझगाम डॉक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया गया है? तो 14 जहाजों के लिए। हाल ही में RBI ने HDFC में पेड अप शेयर पूंजी की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए मंजूरी दी है LIC के साथ? तो 9.99%। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का विषय क्या था? तो अभी डिस्कस किया, 26 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करने वाले सीमा शुल्क, ये इसकी थीम रखी गई थी। भारत और कौन सा देश दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो फ्रांस इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष पर 277 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड की 73वीं बैठक अभी हाल ही में भोपाल में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया जाएगा। थाई पूसम त्यौहार जो है ये मुख्य रूप से साउथ का त्यौहार माना जाता है, हिंदुओं का त्यौहार है, तमिलनाडु में इसको मुख्य रूप से मनाते हैं। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कहाँ पे शुरू हुआ है? तो हमारे हिमाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नए प्रकार का क्वेश्चन करंट अफेयर से आपके लिए बन सकता है। अभ्यास का नाम है खंजर, ये आप ध्यान रखेंगे। 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है कहाँ पे शुरू हुआ है?
हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के साथ होता है? किर्गिस्तान के बीच ये होता है। 2024 के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यह इसकी थीम रखी गई थी। किस कंपनी ने बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के उद्देश्य से AI प्लेटफॉर्म भारत GTP लॉन्च किया? तो कोर ओबर प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने भी डिस्कस किया। नाटो सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है जो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रतीक है? तो स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास इसका नाम रखा गया है। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस सेंटर द्वारा दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में प्रीशा चक्रवर्ती को भी शामिल किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित जो पहली इंडियन एयरफोर्स अधिकारी है उनका नाम है निकिता मल्होत्रा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के सतर्कता विभाग द्वारा अनावरण की गई हाल ही में गृह पत्रिका का नाम पहल रखा गया है। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच अभी हाल ही में एयरबस और टाटा ग्रुप से एक हेलीकॉप्टर मिक्स संयुक्त रूप से हेलीकॉप्टर बनाने पर सहमति की गई है, उसका नाम रखा गया है H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर। इंपॉर्टेंट है ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर से विराट कोहली को सम्मानित किया गया। श्रीलंका की ओर से ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार चमारी अथापथ्यू को दिया गया। 2027 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड को एक बार फिर से सौंपी गई है। जनवरी 2024 में पंजाब लोक सेवा आयोग जिसको PPSC के नाम से जानते हैं, जितेंद्र सिंह को इसका अध्यक्ष जो है वो बनाया गया। आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि HPPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं 2024 में। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोमोरोस में पुनः लड़े गए चुनाव में विजेता अजाली ओसोमानी को घोषित किया गया है। डॉक्टर नित्यानंद द्वारा विकसित की गई पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का नाम सहेली रखा गया है। अगला प्रश्न है रिलायंस जियो और वन प्लस के बीच अभी हाल ही में सहयोग की घोषणा की गई है ताकि 5G इनोवेशन हब जो है वो पूरे भारत में स्थापित किया जाए। अभिनव बिंद्रा के सहयोग से असम सरकार के द्वारा उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र की योजनाओं की जो है वो घोषणा की गई है। भारत सरकार ने हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया उषा उत्थुप जी को। ये किस श्रेणी में उनको सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में, क्योंकि ये म्यूजिक जो है वो गाती हैं। AI स्टार्टअप त्रुटिम 2024 से भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया, तो ये लॉन्च किया गया है ओला के द्वारा। अगला प्रश्न है किस कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीमेंट के रूप में कार्य करने के लिए RBI के द्वारा अंतिम मंजूरी जो है वो मिली है? तो जोमैटो को। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में ईरानी जहाज को बचाया था जिसका नाम था सुमित्रा। ये डिस्कस हमने पहले कर लिया। 43 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च सदन के राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है सतनाम सिंह संधू, इनको नियुक्त किया गया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव डिब्रूगढ़ में रखी गई है। और FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में इवेंट में जो गोल्ड जीता था दिव्यांश सिंह पवार के द्वारा जीता गया था। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सबसे लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड बारहवीं फेल को दिया गया है जो कि एक IAS ऑफिसर के ऊपर जो है वो आधारित की गई है जिनका नाम है मनोज कुमार। हाल
हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव जोशी की जी द्वारा ये लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने मानव रोगी में पहली ब्रेन चिप प्रत्यारोपित की है? तो न्यूरालिंक, जो कि स्पेसएक्स के जो फाउंडर हैं उनके द्वारा ये कंपनी जो है वो चलाई गई है, इलोन मस्क जिनका नाम है। जनवरी 2024 में पांडुचेरी के मुख्य सचिव के रूप में शरद चौहान जी को नियुक्त किया गया। कृषि वानिकी नर्सरी के प्रत्यायन प्रोटोकॉल के लिए रूपरेखा जो है वो अर्जुन मुंडा के द्वारा की गई है। लोकतंत्र की जननी शीर्षक वाली झांकी, जो कि 2024 में शीर्ष स्थान जिन्होंने हासिल किया, वो भारत की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसको ट्राई कहा जाता है, इसके अध्यक्ष नए बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। आरबीआई ने मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शहडोल को रूल्स फॉलो ना करने पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। भूटान के राजनेता शेरिंग टॉपगे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। ओडिशा सरकार ने जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लाभा योजना शुरू की है, और भारत सरकार ने हाल ही में 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है भारत के मराठा सैनिक परिदृश्य को। इम्पोर्टेंट है, 2024 में इंडियन इकोनॉमी रिव्यू रिपोर्ट से जारी, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई? वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ये हमारे हिंदी के कुछ वन लाइनर, हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो इंग्लिश मीडियम में है उसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी, वो हमारे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके उसको लॉग इन कीजिए, देन आप अपनी करंट अफेयर की वीडियो एंड PDF को पा सकते हैं। तो इंग्लिश के करंट अफेयर थे, अब कुछ एक बार फिर से हिंदी के करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं। फरवरी मंथ के कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकालीन हाल ही में घोषित किया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा अभी हाल ही में वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया गया है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा तेल रिसाव हुआ था एक जहाज के पलट जाने पे। टोबैगो द्वीप के दक्षिणी तट पर बड़े पैमाने पर तेल फैल गया। इस रिसाव के समुद्र तट पर लगभग 15 किलोमीटर हिस्सा जो है वो उसी तेल की वजह से काला हो गया। तो वहां के प्रधानमंत्री कीथ रोलवे ने उस स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर दिया। देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर कौन है जिनका अभी हाल ही में 2024 में निधन हो गया? ये क्वेश्चन आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो दत्ताजी राव गायकवाड़ जी थे, भारत के पूर्व बल्लेबाज और राष्ट्रीय कोच अंशु मन गायकवाड़ के पिता ये हैं, और सबसे उम्रदराज ये टेस्ट क्रिकेटर थे, और कुछ टाइम पहले जो है वो 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, उषा किरण खान का संबंध किससे है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये साहित्य से संबंधित थी, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अयोध्या सौर परियोजना के चालू होने के बाद NTPC समूह की स्थापित और वाणिज्य क्षमता क्या है? तो 73,888 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता जो है वो रहेगी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में CA रंजीत कुमार अग्रवाल जी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड
अकाउंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024-25 की बात यहाँ पे की जा रही है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के दौरान यूएई ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें से मुख्य समझौते जैसे कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, निवेश, अभिलेखागार प्रबंधन जैसे मुख्य कुछ सहयोग शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ हरित हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी समझौते जो हैं वो किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 20 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजीकरण आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार का पूंजीकरण का आंकड़ा जो पार किया है, भारत की पहली कंपनी जो बनी है जिसे रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में इसे जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, मतलब कि रिलायंस जो है वो एक जियो की ही एक कंपनी है, तो आप उसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं। कई बार रिलायंस आता है, कई बार जियो आता है वहां पे, तो वो चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये फाइनेंशियल जो सर्विस है वो अलग है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रियल जो है ये अलग है, क्योंकि रिलायंस का एक पार्ट है जियो, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मुकेश अंबानी जी की ये कंपनी है। नेक्स्ट है, वह 23 वर्षीय आदिवासी महिला कौन है जो फरवरी 2024 में तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो त्रिपति इनका नाम है, और 23 वर्ष की ही आदिवासी महिला हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं ये, और अभी हाल ही में ये वहां की जज जो है वो बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के द्वारा इनकी जो है वो काफी प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बीपीसीएल के साथ समझौता किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। मल्टीपर्पस ऑक्टोकार पर विकसित करने वाले के लिए किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो वीरेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है, उन्होंने मल्टीपर्पस ऑक्टोकॉप्टर विकसित किया है, जो एक टाइप का ड्रोन है जो निगरानी रखने के लिए, हवाई लक्ष्य पर हमला करने के लिए, ग्रेनेड गिराने के लिए, इन तकनीकों के ऊपर जो है वो काम करता है, यानी कि आर्मी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नंद किशोर यादव जी बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, क्योंकि आपको पता है बिहार में अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नई सरकार जो है वो बनाई गई है, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं नंद किशोर जी, ये वहां के अध्यक्ष चुने गए हैं। आप कमेंट करके बताइए, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है और किस जिले से वो संबंधित हैं? भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा HEMS किस राज्य में शुरू की गई है? देखिए, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है ये, मतलब वहां की गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है, तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई है, और ये ऋषिकेश में जो एम्स संस्थान है वहां से ये डायरेक्ट जो है वो रिलेट करेगी, वहां से ये संचालित की जाएगी, और इस योजना का नाम जो है वो संजीवनी रखा गया है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे आकाश मार्ग से, वैसे ही जब किसी पर्सन को आपातकालीन चिकित्सा देनी है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हवाई सेवा के माध्यम से, इसलिए इसका नाम संजीवनी रखा गया है, और ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा पहली बार भारत में ऐसी सुविधा जो है वो शुरू की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योति राव सिंधिया के द्वारा ये शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि जब एथलेटिक्स अगर इस तरीके के अगर किसी चीज में पकड़े जाएं, डोपिंग के मामले में अगर वो पकड़े जाएं, उल्लंघन करते हैं अगर नियमों का, तो उनके ऊपर खेल के लिए जो है वो प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इनके ऊपर 12 साल की प्रतिबंध जो है वो लगाया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है? देखिए, ये भी चीज भारत की पहली बार की गई है,
कि ऐसा कौन सा पुलिस फोर्स है, किस राज्य की पुलिस फोर्स है जो कि ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस जो है वो प्रोवाइड करवाती है, और जिसकी वजह से जहां पे जैसे कि हंगामे या फिर जहां पे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको हटाने के लिए जो है ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस जो है वो उनके ऊपर स्प्रे करनी पड़ती है ताकि लोग वहां से जो है वो हट जाए। तो भारत में पहली बार ऐसा हुआ है ड्रोन के माध्यम से हरियाणा पुलिस ने ये कार्य जो है वो किया है। अगला प्रश्न है, आगामी बागटा फिल्म पुरस्कार 2024 में पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? तो दीपिका पादुकोण जी 2024 में बागटा फिल्म अवार्ड्स में पुरस्कार प्रदान करेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, कैंसर अनुसंधान के लिए एम्स नई दिल्ली ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जनवरी महीने के करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे वहां पे डिस्कस किया। लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ ये समझौता किया गया है जो कि कैंसर के इलाज के लिए जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण के लिए शतरंज ओलंपियाड मशाल किस शहर को सौंपी है? इसका राइट आंसर रहेगा हंगरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हंगरी को ये सौंपी गई है और ये समारोह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ। और शतरंज को भारत की विरासत से गहराई से जाना जाता है क्योंकि शतरंज जो देन है पूरी दुनिया भर में वो भारत की ही देन है। अगला प्रश्न है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के नए प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में अभी हाल ही में बीरेंद्र बंसल जी को नियुक्त किया गया है। तो नियुक्तियों से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। गुवाहाटी में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा फरवरी 2024 में गुवाहाटी में इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान में अप्रत्याशित मंदी के बाद हाल ही में कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अन्वेषण के अनुसार फरवरी 2024 में राजस्थान के करौली में हिडन के पास पाए गए लोह अयस्क भंडार की अनुमानित मात्रा कितनी पाई गई है? तो 840 टन यहाँ से जो है वो लोह अयस्क जो है वो मिल सकता है और इसकी नीलामी जो है वो शुरू कर दी गई है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को रिमोट कंट्रोल गन की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय एंड एडवांस वेपन इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड के बीच कितने का समझौता जो है वो किया गया है? तो 1752 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है जिसके तहत रिमोट कंट्रोल गन जो है वो प्रोवाइड जो है वो करवाई जाएगी। हाल ही में ये घोषणा किसके द्वारा की गई कि प्रधानमंत्री मोदी 300 सॉरी हाल ही में ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है कि 300 मेगावाट के बर सिंगर सोलर प्लांट की आधारशिला वो रखेंगे। ये भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो राजस्थान में ये किया जा रहा है क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा गर्मी होती है और सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में काफी अच्छा जो है वो काम करेगा। एनसीएल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है वो ये स्थापित की जाएगी और काफी बड़ी योजना जो है ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ये शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निखिल जोशी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया है? तो आईआईटी जम्मू के द्वारा ये काम किया गया। इसकी लागत लगभग 4 लाख रुपए के आसपास जो है वो मानी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25,000 रुपये कर दिया है। इसमें 10
1000 की बढ़ोतरी जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पहले ये राशि 15,000 थी और 2019 में ही इसे शुरू किया गया था और 2024 में इस राशि को बढ़ाकर 15,000 से 25,000 रुपये कर दिया गया है। यूपी में मुख्य रूप से योजना कन्या सुमंगला योजना के नाम से जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन से बने हैं? सबसे ज्यादा छक्के जिसने मारे हैं तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने बी ए एस ई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? तो हाल ही में भारत के खेल मंत्री द्वारा अनुराग सिंह ठाकुर जी ने 28वें सम्मेलन एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत जो है वो प्रसारण केंद्र क्षेत्र का केंद्र जो है वो बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी के शहर में बीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो असम इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर की पहल शुरू की है? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता जो है वो ली गई है। सिक्किम के मुख्यमंत्री जी का नाम आपको पूछा जा सकता है, प्रेम सिंह तमांग, जिसका राइट आंसर है। 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो काठमांडू इसका राइट आंसर रहेगा। नेपाल में यह आयोजित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में श्री कालिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ अभी हाल ही में दर्ज की गई है? तो इंग्लैंड इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत ने अभी हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व मानव आत्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 फरवरी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शांति के लिए, प्रेम की भावना के लिए, ध्यान के लिए, चिंतन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो है वो विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी को। तो कुछ यूनिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उर्दू कवि हैं गुलजार और संस्कृत के विद्वान हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो पंजाब नेशनल बैंक इसका राइट आंसर रहेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है। अगला लास्ट प्रश्न है आज की इस क्लास का, फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाएगा? तो न्यायाधीश नवाब सलाम जी को चुना जाएगा। तो 3 साल का कार्यकाल जो है वो न्यायाधीश नवाब साल को सलाम को अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुना जाएगा। 3 साल के लिए इनको कार्य करना है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर के लिए आपसे ही बनता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हमारा हेग में है और फरवरी 2024 में नए अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश नवाब सलाम को चुना गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसकी बायलैंगुअल पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे ऊपर आप जाइए विजयपथ एजुकेशन, आप सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, लॉग इन कीजिए एंड देन करंट अफेयर के टैब के ऊपर आप क्लिक करके फरवरी मंथ की वीडियो के साथ साथ इसकी पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो एंड पीडीएफ के लिए हमारे आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा।
एंड क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। कितनी आपकी तैयारी रहती है वो आप खुद को एक बार चेक करके देखिए इस करंट अफेयर के सेशन से। सो जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूँगा मार्च महीने के करंट अफेयर के साथ। देन तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, तैयारी आप करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। We'll be right back.